हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सोयाबीन के कोफ्ते। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत आसान है। कोफ्ते बनाने के लिए लेंगे एक कटोरी सोयाबीन का चूरा। सोयाबीन के चूरे से बनाएंगे हम कोफ्ते। ये बाज़ार में इजीली मिल जाता है, इसे हमें पीसने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसे भिगोएंगे। भिगोने के लिए मैंने पहले गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। गर्म पानी हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे सोयाबीन का चूरा और ढक के रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर ये फूल कर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के अंदर देखिए कितने अच्छे से फूल गया है और देखने में लग रहा है कि कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब हम इसको एक छन्नी में छान लेंगे। अभी गर्म है ये, तो इसके ऊपर 2 गिलास ठंडा पानी डालकर इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। देखिए टाइट दबाने के बाद भी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। अब डालेंगे इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया, मिर्च और अदरक। डालेंगे इसके अंदर 7-8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, क्योंकि मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी इसलिए मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ली है। और बहुत सारा डालेंगे हरा धनिया, 1 प्याज बारीक कटा हुआ और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और डालेंगे 2 चम्मच बेसन। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको गोल करके देखेंगे, तो देखिए ये खुल रहा है आसानी से, तो इसलिए हम 1 चम्मच बेसन और डाल देंगे इसके अंदर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से दबाते हुए बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बना लेंगे। इसे एक बर्तन में रख देंगे साइड में और बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो मैंने इस तरीके से सारे बना लिए। अब इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो गया है। अब हम इसे एक एक करके डालेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। एक साइड से सिक जाएंगे, फिर हम इनको पलटेंगे। देखिए एक साइड से सिक गए हैं, वो इन्हें पलट लेंगे। इसी तरीके से हम ब्राउन होने तक इनको सेक लेंगे। ब्राउन हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम सारे सेक लेंगे। इस तरफ हमारे पकौड़े सिक रहे हैं, इतने हम दूसरी तरफ सब्जी बना लेते हैं। एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होते डाल देंगे 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पर बारीक पिसी हुई प्याज भी डाल सकते हैं, पर उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 काली मिर्च, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, अब डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से भूनेंगे।
अब डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक पीसे हुए। स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। ढक देंगे और 2-3 मिनट पकने देंगे टमाटर को। टमाटर अच्छे से पक गए। अब डाल देंगे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी डाल देंगे दालचीनी पीसी हुई। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ढक देंगे मसालों को 4-5 मिनट के लिए और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले अच्छे से पक गए। अब डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और डाल देंगे इसके अंदर 1 गिलास पानी। पानी हम अपनी ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सब्जी को कवर कर देंगे और एक उबाल आने के बाद गैस को स्लो कर देंगे और कम से कम 7-8 मिनट हम इसे पकने देंगे। सात आठ मिनट हो गए सब्जी को पकते हुए। अब इसके अंदर फ्राई करे हुए कोफ्ते डाल देंगे। दो तीन मिनट ढककर पकाएंगे। इससे कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। दो तीन मिनट हो गए। अब डाल देंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और सर्व करेंगे। इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखें। सोयाबीन के कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।